हे गाइस, वेलकम टू टेक फॉर आवर माइंड। तो आज की वीडियो में अगर एक जॉब अभी का देखने वाले हैं जो कि सीडोर कंपनी तरफ से आ रही है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, जो कि हायरिंग करने वाले हैं फ्रेशर को, पास आउट को, एक्सपीरियंस्ड को, इवन आप लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, आप लोग पास आउट होने वाले हो, 23 बैच में अप्लाई कर सकते हो। कंपनी काफी अच्छी है एंड पहले ही बता दूं, आप सभी को जॉब मिलती है कंपनी में इस पोजिशन के लिए। तो आप सभी को 1 लाख तक का पैकेज मिलने वाला है पर मंथ के हिसाब से, जो कि फिक्स्ड है, आपको उतना मिलने ही वाला है। एंड कंपनी भी काफी अच्छी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बताने वाला डिटेल में, आपको जॉब के रोल के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ हम देखने वाले स्टेप बाय स्टेप। एंड इस जॉब अपडेट की दो नोटिफिकेशन है, इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर देना। एंड अदर कंपनियां भी हायरिंग कर रही है एंड आपसे को फ्री गुडीज चाहिए तो सेकंड वाली वीडियो चेकआउट करिएगा। अब ना बात करें सी डॉट की जॉब के बारे में, तो बताना चाहूंगा सी डॉट इज स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ डेवलपमेंट टेलीमेट्स, जो कि हायरिंग करने वाले हैं फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों को ही। एंड आपको जॉब मिलती है कंपनी में, जो आपकी जॉब की लोकेशन होने वाली है वो दिल्ली एंड बेंगलुरु होने वाली है। कंपनी का दो ही लोकेशन है, आपको जाना पड़ेगा लोकेशन पर, आपको जॉब मिलती है कंपनी में तो। एंड जो आपकी जॉब की पोजीशन होने वाली है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर की होने वाली है, इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है। एंड कंपनी के पास 162 वैकेंसी है, जो कि एवरेज वैकेंसी है, अप्लाई कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सभी को इस पोजीशन के लिए 1 लाख तक का पैकेज मिलने वाला है पर एनएम के हिसाब से, जो कि इन्होंने मेंशन भी कर दिया है। एंड सबसे मेन पॉइंट, अभी कंपनी हायरिंग करने वाली है 1 ईयर के लिए, बट जो आपकी जॉब होने वाली है फुल टाइम की वो डिपेंड करने वाली है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। 1 ईयर के बाद जैसी भी आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है, एक असाइनमेंट होगा, उसके बेसिस पर आपको मौका मिलने वाला है फुल टाइम कंपनी में जॉब करने का। एंड जो भी आपकी जॉब का पीरियड होगा 1 ईयर के बाद एक्सटेंड हो जाएगा, जो कि डिपेंड करने वाला है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। इन्होंने मेंशन भी कर दिया है एंड मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। द नेक्स्ट पॉइंट है, इस जॉब के लिए एज का क्राइटेरिया भी होने वाला है, जो मैक्सिमम एज है इस जॉब के लिए 30 ईयर है, तो डेफिनेटली मोस्टली एलिजिबल होने वाले हैं, अप्लाई कर सकते हो। ना बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो बताना चाहूंगा एंड इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है कि आप लोगों ने डिग्री में बीबी टेक करा हुआ है या फिर आप लोगों ने एमईएम टेक करा हुआ है, अप्लाई कर सकते हो। बट जो भी आपकी ब्रांच होने वाली है, आपने बीबी टेक करा हुआ है, एमईएम टेक करा हुआ है, वो सीएसआईटी है, ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक है, अप्लाई कर सकते हो। यही ब्रांच एलिजिबल होने वाली है। इसके अलावा आपने कुछ और करा हुआ है, किसी और ब्रांच से करा हुआ है, आप एलिजिबल नहीं होने वाले, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। एंड इस जॉब के लिए मार्क्स का भी होने वाला है, आप सभी का एटलीस्ट 65% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th में, 12th में, बीबी टेक में। एंड आप लोगों ने एम ई एम टेक करा हुआ है, अगर आपके मार्क्स कम भी हैं 65% से, अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल होने वाले हो। बट आप लोगों ने बी बी टेक करा हुआ है तो आप सभी के मार्क्स एटलीस्ट 65% होने चाहिए तो ही आप एलिजिबल होने वाले हो। बात करें बैच के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, तो कंपनी ने मेंशन करा हुआ है आप लोगों के पास 0 से लेके 3 ईयर तक का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हो। मीन्स कि आप लोग फ्रेशर हो, अप्लाई कर सकते हो। आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको कंपनी स्विच करनी है, अप्लाई कर सकते हो। बात करें बैच के बारे में, तो आप लोग 18, 19, 20, 21, 22, 23 बैच के स्टूडेंट भी हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड सेकंड सबसे मेन पॉइंट, जो इनकी हायरिंग थी स्टार्ट हो गई थी 18 जनवरी से एंड जो एंड होने वाली है वो 29 नवंबर होने वाली है, तो काफी टाइम है आपके पास। आप लोग फाइनल स्टूडेंट हो, आप लोग पास आउट होने वाले हो 23 बैच में, अप्लाई कर सकते हो। इस डेट के बीच में कभी भी आपके पास मेल आ सकता है शॉर्टलिस्टिंग का, एग्जाम का, जो कि उन्होंने मेंशन भी कर दिया है एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप लोग बस काफी टाइम है, अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट भी काफी लंबी है। एंड नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, कंपनी के पास मल्टीपल रोल के लिए वैकेंसी होने वाली है एंड कंपनी हायरिंग कर रही है मल्टीपल टेक्नोलॉजी के लिए। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट है 5G की है, द नेक्स्ट नीचे आएगा, इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है, नेटवर्क डेवलपमेंट की है, द नेक्स्ट है, थोड़ा नीचे आएगा, इन्होंने मेंशन करा हुआ है कोर कॉल प्रोसेसिंग की है, द नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है। एंड इसके अलावा मल्टीपल वैकेंसी होने वाली है, मल्टीपल रोल्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो एंड आपको मौका मिलने वाला है इन सभी के लिए काम करने का। एंड नेक्स्ट मेन पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि उन्होंने मेंशन भी करा हुआ है कि अगर आपको जॉब मिलती है कंपनी में इस पोजीशन के लिए, तो स्टार्टिंग के 3 मंथ का प्रोविजन पीरियड होने वाला है एंड उसमें वो लोग चेक करेंगे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है एंड उसके बेसिस पर आपको मौका मिलने वाला है फर्दर काम करने का, जो कि काफी मेन पॉइंट है। जॉब की लोकेशन मैंने आपको बताई दिया है, वो दिल्ली एंड बेंगलुरु होने वाली है अगर आपको कंपनी में जॉब मिलती है तो। एंड नेक्स्ट मेन पॉइंट, इसके अप्लाई करने के लिए फी नहीं होने वाली, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो बताना चाहूंगा एंड में मेंशन भी करा हुआ है, हियर इट इज। तो पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने के बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो डिपेंड करने वाला कंपनी के ऊपर। अगर जो एप्लीकेशन है ज्यादा हो जाती है कंपनी के पास, तो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो डिपेंड करने वाला है एज के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर, अकेडमिक स्कोर के ऊपर एंड इसके अलावा एक्सपीरियंस है एंड मल्टीपल फैक्टर है, जिसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप लोग शॉर्टलिस्ट हो गए कि नहीं हो गए। मैंने हाईलाइट कर दिया, आप चेकआउट कर सकते हो पीडीएफ में। ना वक्त अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर सकते हो, लिंक पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कुछ जगह पेज खुलने वाला है एंड आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलने वाला है अप्लाई ना वाला, हियर इट इज, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कुछ जगह पेज खुलने वाला है, आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा सेकेंड वाली वैकेंसी, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर की होने वाली है 4G एंड 5G वाली,
एक ऑप्शन मिलने वाला अप्लाई वाला, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पर, रजिस्टर करना, बेसिक फॉर्म वाला फिलअप करेगा। अप्लाई करने को दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आता, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, एंड कमेंट करते रहा करो वीडियो पर, मुझे पता रहता है कौन कमेंट करता है, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, आप लोग मुझे मैसेज करोगे तो आई होप कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया होगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, चेकआउट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।